हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 4 कर रहे थे दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एग्जांपल इस चैप्टर का दैट इज चैप्टर 4 का मैंने आप लोग को जितना भी इसका दैट इज एग्जाम्पल 1, 2 और 3 था वो सारा एक्सप्लेन किया था। इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को इस चैप्टर का एक्सरसाइज 4.1 मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। उसमें का जितना भी क्वेश्चन था हर एक क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास नाइन मैथ्स का चैप्टर 1 रिविजन चैप्टर एंड चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 मैंने हर एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। और उसी के साथ साथ हर एक चैप्टर का मैंने एग्जांपल क्वेश्चन भी कराया। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखने हैं तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे हम लोगों को क्या लगा है क्वेश्चन नंबर 1 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। इसमें से आप लोगों को 3 ऑप्शन दिया है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन में से ये आपको इक्वेशन दिया है, तो ये तीनों ऑप्शन में से ये इक्वेशन से हम लोग को ये निकालना है कि तीनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे वो देखिए, पहला इक्वेशन दिया आपको दैट इज ए यूनिक सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे इस इक्वेशन के थ्रू क्या आएगा, एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। दूसरा, ओनली 2 सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के थ्रू सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन आ सकते हैं, ठीक है। और तीसरा दिया है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब है कि बहुत सारा वैल्यू आ सकता है इस इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब सपोज आपको एक इक्वेशन दे दिया y=2x, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा x और y का वैल्यू जो आप लोग इस इक्वेशन में पुट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, ठीक है। तो ऐसा सपोज मेरे पास ये सॉल्यूशन है, मैंने क्या बोला, एक ऐसा वैल्यू x और y का जिसको अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। तो देखिए, अगर ये पॉइंट लेते हम लोग, ये पहला वाला मैंने आप लोग को चैप्टर 3 में समझाया था कि पहला वाला हमेशा x होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। तो x का वैल्यू कितना दिया, 4, सॉरी यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 4, अच्छा तो x का वैल्यू कितना दिया, 2, और y का वैल्यू कितना दिया, 4। तो इन प्लेस ऑफ y क्या पुट करेंगे, 4, बिकॉज 4 दिया है, इक्वल टू 2 का 2 इंटू x का वैल्यू कितना दिया, 2, तो 4 इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्या होता है वो क्लियर हो गया। सॉल्यूशन मतलब ऐसा x और y का वैल्यू जो इक्वेशन में पुट करते ही उसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये चेक करना है ये इक्वेशन कितना सॉल्यूशन बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, सबसे पहले गिवन क्या दिया आपको इक्वेशन, दैट इज y इक्वल टू 3x+5, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग x का डिफरेंट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू देता है कि नहीं वो चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे x है तो x का वैल्यू लेते हैं, तो 4 x इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है। तो हमारा y का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए y इक्वल टू, ये पहले सेम लिख देते 3x+5, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3 इंटू कुछ नहीं मतलब इंटू साइन, x का वैल्यू कितना, 0 प्लस 5, तो ये कितना आ गया, 3 0 0 + 5 इट बिकम 5। तो अगर मैं x का वैल्यू 0 डाला तो y का वैल्यू कितना मिला, 5, ठीक है। सिमिलरली मैं अब दूसरा x का वैल्यू डालता हूं, 4, लेट सपोज अपना मर्जी से आप लोग वैल्यू डालो, ठीक है, मैं डालता हूं 2। तो यहाँ पे इक्वेशन में पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या है, 3x+5। अब y इक्वल टू 3 उसके मतलब इंटू x का वैल्यू कितना है, 2 + 5,
तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना गया 3 to the 6 plus 5 और y इक्वल टू कितना गया 6 plus 5 इट बिकम 11। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया, यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया इस चीज का, एक क्या आया, दैट इज x का वैल्यू कितना 0। तो जब x का वैल्यू आपने 0 पुट किया तो y का कितना मिला 5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा, दैट इज जब x का वैल्यू आपने 2 पुट किया तो y का वैल्यू क्या मिला 11। तो ये आपका जो निकल रहा है वाला, ये क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करो, आप लोग जितना वैल्यू x का वैल्यू पुट करोगे उतना आपको वैल्यू मिलेगा y का, है ना। जैसे कि और एक एग्जांपल ले लेता हूं, 4x = -2 ले लेता हूं। ठीक है, तो हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा, दैट इज देयरफॉर y इक्वल टू क्या दिया है 3x + 5। तो यहां पे y इक्वल टू क्या होगा 3 × x का वैल्यू कितना -2 + 5। तो यहां पे y इक्वल टू कितना आ गया 3 × 2 = 6 दैट इज -6 + 5। तो y का वैल्यू कितना आ गया दैट इज -1। ठीक है, तो यहां पे अगर ऑब्जर्व करो तो यहां पे सॉल्यूशन क्या आया आपका, सॉल्यूशन जो आया x का वैल्यू जब आपने -2 पुट किया तो y का वैल्यू क्या मिला -1। ठीक है, तो कहने का मतलब आप लोग जितना x का वैल्यू पुट करोगे, जितना x का वैल्यू आप लोग एज्यूम करोगे, कंसिडर करोगे और इसमें पुट करोगे उतना आपको y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, यूनिक नहीं, यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन। ठीक है, वन सॉल्यूशन नहीं, टू सॉल्यूशन नहीं, कितना सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जितना चाहो आप लोग उतना सॉल्यूशन निकाल सकते। ठीक है, x का डिफरेंट वैल्यू पुट करके आप लोग y का वैल्यू आराम से निकाल सकते। ठीक है, तो देयरफॉर यहां पे लिखेंगे रीजन ये डायरेक्ट लिख देते। ठीक है, बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। ठीक है, जब हम लोग x का डिफरेंट वैल्यू बिठाएंगे तो हम लोग को y का भी डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो सो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा होगा, 3। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता हमारा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को समझाऊंगा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसके बाद हम करते हैं दैट इज एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जैसे मैंने आप लोग को इस चैप्टर का जो मैंने एग्जाम्पल 1 और 2 करवाया था, ठीक है, और दैट इज 3 और 4, उसका जैसा ये हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या करना है, इस इक्वेशन को यूज करके आप लोग को 4 इक्वेशन निकालना है, 4 सॉल्यूशन निकालना है। अब वो कैसा आएगा ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें दिया गया है दैट इज 2x + y = 7। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन को लिख लेते हैं 2x + y = 7 और यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल को सिंगल छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं y को क्या करता हूँ, सिंगल छोड़ता हूँ, तो ये 2x क्या हुआ, ये +6 से क्या हुआ, माइनस। तो ये हो जाएगा y इस साइड इक्वल टू 7 का 7, अब ये प्लस था इस साइड क्या, तो -2x। ठीक है, अब ये बन गया आपका इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को यूज करके मैं 4 सॉल्यूशन निकालूंगा, 4 सॉल्यूशन बोला ना, तो हम लोग 4 सॉल्यूशन निकालेंगे। अब यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, यहां पे वेरिएबल क्या है, x है, तो जो वेरिएबल इस साइड होगा वही वेरिएबल आप लोग
कोई भी वेरिएबल रेंडम वैल्यू लोगे, ठीक है, और रेंडम वैल्यू लेके यहाँ पे पुट करोगे, पुट करने के बाद आपका वाई का ही मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फोर, एक्स इक्वल टू जीरो लेते हैं, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या आएगा था, देयरफॉर वाई इक्वल टू क्या है, सेवन माइनस टू एक्स, ठीक है, और वाई इक्वल टू क्या होगा, सेवन माइनस टू, उसने मतलब इंटू साइन, एक्स का वैल्यू कितना है जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना क्या, सेवन माइनस टू इंटू जीरो जीरो, ठीक है, तो ये कितना क्या y का वैल्यू, y इक्वल टू सेवन आ गया, ठीक है। अब मैं फोर x इक्वल टू अब वन लेता, तो जब x का वैल्यू वन लेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, देखिए y का वैल्यू क्या आएगा, इक्वेशन को लिख लेते y इक्वल टू सेवन माइनस टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे y का तो y रहेगा, इक्वल का इक्वल, सेवन का सेवन, माइनस का माइनस, टू का टू, उसके मतलब इंटू साइन, एक्स का वैल्यू कितना है वन, तो यहाँ पे वन, तो ये वाई इक्वल टू क्या हो गया, सेवन माइनस टू, वन का टू, ठीक है, तो वाई इक्वल टू कितना गया, सेवन माइनस टू, इट बिकम फाइव, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू वन पुट करने से कितना मिला, वाई का वैल्यू फाइव मिला, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पुट करते हैं, फोर एक्स इक्वल टू टू पुट करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो जब x का वैल्यू टू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन को फिर से लिख देते हैं, दैट इज y इक्वल टू सेवन माइनस टू एक्स, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या होगा, सेवन माइनस टू, उसने मतलब इंटू साइन, x का वैल्यू टू, तो हो जाएगा y इक्वल टू सेवन माइनस टू टू जा फोर, तो कितना होगा, y इक्वल टू दैट इज थ्री, ठीक है। अब हम लोग दूसरा वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो फोर एक्स इक्वल टू अब थ्री लेते हैं, ठीक है, तो जब x का वैल्यू थ्री लेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, फिर से इक्वेशन को लिख लेते हैं, y इक्वल टू क्या है, टू एक्स, ठीक है, y इक्वल टू सेवन माइनस टू एक्स, ये इक्वेशन फिर से लिख दिया। इसके बाद y का y रहेगा, ठीक है, इक्वल का इक्वल साइन, सेवन का सेवन, माइनस का माइनस, टू का टू, उसने मतलब इंटू साइन, x का वैल्यू कितना है, थ्री लिया आपने, तो यहाँ पे थ्री पुट करेंगे, तो y इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज सेवन माइनस टू थ्री जा सिक्स, तो y का वैल्यू कितना आ गया, सेवन माइनस सिक्स वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो फोर सॉल्यूशन आ गया वो क्या क्या है उसको लिख लेते हैं, तो देयरफॉर फोर सॉल्यूशन आर क्या क्या है, ध्यान से देखिए, सबसे पहला सॉल्यूशन, x का वैल्यू जीरो पुट किया, x का वैल्यू जीरो पुट किया तो y का वैल्यू कितना मिला, सेवन, तो ये पहला सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब x का वैल्यू वन पुट किया तो y का वैल्यू कितना मिला, फाइव, तो ये दूसरा सॉल्यूशन, ठीक है। x का वैल्यू टू पुट किया तो y का वैल्यू कितना मिला, थ्री, ये तीसरा सॉल्यूशन, और एंड फोर्थ सॉल्यूशन क्या है, x का वैल्यू थ्री पुट किया तो y का वैल्यू आपको मिला वन, ठीक है, तो ये आ गया आपका फोर्थ सॉल्यूशन। तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा क्वेश्चन नंबर टू का वन। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर टू का टू नंबर, ठीक है, तो ये भी इजी है, इसको भी हम लोग सेम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन को लिख लेते हैं, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइन। अब इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, वाई को सिंगल छोड़ेंगे, तो जब वाई को सिंगल छोड़ेंगे तो ये पाई एक्स जो है ये इस साइड जाएगा, तो ये प्लस में इस साइड से क्या होगा, माइनस, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, नाइन माइनस पाई एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, x यहाँ पे वेरिएबल x है, तो x का हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देंगे, ठीक है, तो फोर x इक्वल टू जीरो लेते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या होगा, एक इक्वेशन को लिख लेते हैं, दैट इज नाइन माइनस फाइव एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू नाइन माइनस फाइव, उसने मतलब इंटू साइन, x का वैल्यू जीरो, तो होगा y इक्वल टू नाइन माइनस फाइव इंटू जीरो, ये बिकम जीरो, तो y इक्वल टू नाइन माइनस जीरो कितना होगा, नाइन, ठीक है। अब इसके बाद फोर x इक्वल टू वन लेता हूं, तो जब x का वैल्यू वन लेंगे तो हमारा y का क्या आएगा, देखिए इसको पहले लिख लेते हैं, दैट इज y इक्वल टू नाइन माइनस फाइव एक्स, और y इक्वल टू क्या होगा, नाइन माइनस फाइव, उसने मतलब इंटू साइन, x का वैल्यू कितना है, वन, तो यहाँ पे वन, तो y इक्वल टू क्या होगा, नाइन माइनस फाइव वन जा फाइव, ठीक है। अब इसके आगे आपको नहीं करना, ठीक है। अब फोर एक्स इक्वल टू आप क्या लेते हैं, दैट इज टू लेते हैं, ठीक है,
तो x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो हम लोग का y का वैल्यू क्या आएगा, देखिए y इक्वल टू 9 माइनस पाई x, ये हमारा इक्वेशन को लिख लिया। अब नेक्स्ट y इक्वल टू क्या होगा, 9 माइनस पाई का पाई कुछ नहीं मतलब इंटू साइन, x का वैल्यू कितना है 2, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, इट बिकम 2π। ठीक है, तो ये तीन सोल्यूशन आ गया और एक सोल्यूशन निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आप x इक्वल टू 3 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, दैट इज y इक्वल टू 9 माइनस पाई। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, यहाँ पे x का वैल्यू जो 3 है इसको पुट करो। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या होगा, 9 माइनस पाई उसके मतलब इंटू साइन x का वैल्यू 3, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3 3π। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का 4 सोल्यूशन क्या आया, देयरफोर 4 सोल्यूशन आ, तो पहला क्या सोल्यूशन है, देखिए x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना मिला, 9। ठीक है, दूसरा सोल्यूशन क्या है, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट किया तो y का वैल्यू कितना मिला, 9 माइनस पाई। ठीक है, तीसरा सोल्यूशन क्या है, दैट इज x का वैल्यू 3 पुट किया तो y का वैल्यू कितना मिला, सॉरी x का वैल्यू 2 पुट किया तो y का वैल्यू कितना मिला, 9 माइनस 2π। ठीक है, अब फोर्थ सॉल्यूशन क्या है, एंड फोर्थ सॉल्यूशन क्या है, दैट इज x का वैल्यू 3 पुट किया तो y का वैल्यू कितना मिला, दैट इज 9 माइनस 3π। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर टू का 2 नंबर। ठीक है, अब हम लोग करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको भी हम लोग सेम करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 4y। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है ये ऑलरेडी अरेंज है। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, आप कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, सबसे पहले 4 x इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पे 0 x का वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल देखिए क्या है, y है, तो जो वेरिएबल राइट साइड होगा वही आपको लेना है, यहाँ पे y है तो y का वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, y है, तो 4 y इक्वल टू 0 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x का क्या आएगा, इक्वेशन लिख लेते क्या दिया है, 4y। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 उसमें मतलब इंटू y का वैल्यू कितना, 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 इंटू 0 0। ठीक है, ये पहला आ गया सोल्यूशन। अब 4, अब दूसरा वैल्यू लेते हैं, y इक्वल टू 1 लेते हैं। ठीक है, तो x का क्या आएगा, इसको लिख लेते हैं x इक्वल टू 4y। ठीक है, x इक्वल टू 4 उसमें मतलब इंटू y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, 4। ठीक है, और 4 यहाँ पे कर लेते हैं, 4 y इक्वल टू 2 लेते हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू जब 2 लेंगे तो हमारा क्या आएगा, इक्वेशन को लिख लेते हैं x इक्वल टू 4y। ठीक है, तो हो जाएगा x इक्वल टू 4 उसमें मतलब इंटू y का वैल्यू 2 है, तो 2 लिख दिया। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना गया, 4 2 जाएगा। ठीक है, और एक सॉल्यूशन निकालना है, दैट इज 4 y इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, देयरफोर x इक्वल टू 4y और x इक्वल टू 4 उसमें मतलब इंटू साइन y का वैल्यू कितना है, 3, तो ये कितना होगा, x इक्वल टू 4 3 2 है। ठीक है, तो देयरफोर हमारा 4 सॉल्यूशन आर क्या क्या आया वो ध्यान से देखिए। पहला सॉल्यूशन क्या आया, जब हम लोग एक y का वैल्यू 0 पुट करते हैं, y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना मिला, 0। ठीक है, ये पहला सॉल्यूशन। दूसरा, जब हम लोग y का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारा x का वैल्यू कितना मिला, 4, ये क्या दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम लोग y का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना मिला, 1, ये तीसरा सॉल्यूशन। और जब हम लोग y का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना मिला, 2 है, ये फोर्थ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कोई भी इक्वेशन का
फोर सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन दैट इज एक्सरसाइज ये आप लोगों का फोर पॉइंट टू का है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।